हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? जब भी कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ या अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव जब स्ट्रीम में, रिवर में, लेक या ओशियन या अन्य वाटर बॉडीज को जब कंटामिनेट करता है, जिससे पानी की जो क्वालिटी है वह गिर जाती है और पानी जो है मानव और पर्यावरण दोनों के लिए ही जब टॉक्सिक हो जाता है, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। कैटेगरीज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर क्या है, भूजल क्या है? जब बरसात का पानी धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच में या क्रेक्स में या जो पोरस स्पेस है जो उसमें पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूजल या ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर हम इसके कहते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है या ग्राउंड वाटर जो है, यह एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, यह भी पॉल्यूट हो चुका है। और इसका क्या कारण है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, यह भूमि के द्वारा रिसते जा रहे हैं, लीचिंग इनकी होती जा रही है और ये धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में मिलते जा रहे हैं और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करते जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर को कंटामिनेशन होने से रोकना एक बहुत बड़ा जो काम है, बहुत एक डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि एक बार अगर ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है तो उसको वापस से रीयूज बनाना जो है वह मतलब काफ़ी वर्षों तक वह जो पानी है वह अनयूजेबल पानी के रूप में लंबे समय तक बना रहता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर से भी पानी धीरे धीरे रिस कर अन्य जो पानी के स्रोत हैं, जैसे स्ट्रीम है, लेक्स हैं और ओशियन है, उनमें धीरे धीरे वह पानी बहरिस्ता हुआ चला जाता है। सरफेस वाटर, हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का 70% जो जल है वह सरफेस वाटर के रूप में ओशियंस, लेक्स, रिवर्स या अन्य स्रोतों के रूप में पाया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट सर्वेज ऑन नेशनल वाटर क्वालिटी फ्रॉम द US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, उनके अनुसार नियरली हाफ ऑफ अवर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड मोर देन 1/3 ऑफ अवर लेक्स आर पोल्यूटेड एंड अनफिट फॉर स्विमिंग, फिशिंग एंड ड्रिंकिंग। न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन जैसे नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फ्रेश वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन जैसे हम अगर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की बात करें तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स या उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये एक मेजर पोल्यूटेंट बन गए हैं जो कहाँ से निकलते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से निकलते हैं और पानी के द्वारा, बरसात के पानी के द्वारा धीरे धीरे ये बहते हुए पानी के जल स्रोतों में मिलते जा रहे हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, डिस्चार्ज उनके द्वारा जो हो रहा है, उससे काफ़ी मात्रा में टॉक्सिन्स जो बहते हुए सरफेस वाटर में मिल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं या कई अलग डंपिंग एरियाज हैं जिनके द्वारा जल स्रोत हैं धीरे धीरे कंटामिनेट होते जा रहे हैं। ओशन वाटर, 80% ऑफ ओशन पॉल्यूशन ओरिजिनेट्स ऑन लैंड। जो ओशियन का जो पॉल्यूशन है वह लैंड से ही जुड़ा हुआ होता है। तो जो कंटामिनेशन होते हैं, जैसे कंटामिनेंट्स हैं, जैसे केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वह फार्म से, फैक्ट्रीज से धीरे धीरे स्ट्रीम्स और रिवर में जाते हैं, स्ट्रीम और रिवर से वह ओशन में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से वह ट्रेवल करते हुए धीरे धीरे ओशंस में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मैराइन डेब्रिज जैसे प्लास्टिक है, वह धीरे धीरे प्लास्टिक है या केन अगर आप देखो तो वह आपको ओशियंस में तैरते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स है और कई ऑयल रिफाइनरीज हैं या फिर हम कहीं बड़े बड़े शिप होते हैं, इनके द्वारा ऑयल जो है वह लीक होता हुआ समुद्रों की सतह पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो आज की तारीख में ओशियन का जो पानी है वह काफ़ी मात्रा में खराब हो चुका है और एक आंकड़े के अनुसार मैन मेड कार्बन इमिशन का 1/4 भाग ओशन एब्जॉर्ब कर लिया है उसने।
नाउ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स कंटामिनेशन क्या होता है? जब हमें कंटामिनेशन का सोर्स का हमें पता होता है, जब वह सोर्स इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है या फिर उसको हम इजीली रेगुलेट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, तो उसको हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर जो पानी है ये डायरेक्ट पानी के अंदर जो है बहते हुए पानी के अंदर मिल रहा है, तो यह एक पॉइंट सोर्स है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। नाउ नॉन पॉइंट सोर्स, कुछ ऐसे सोर्स भी होते हैं जो डिफ्यूज सोर्स हैं, जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको इजीली हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जैसे एग्रीकल्चर से निकला हुआ, अर्बन डेवलपमेंट से निकला हुआ जो वेस्ट है जो पानी में मिल रहा है, रूरल होम्स के द्वारा मतलब घरों से निकलने वाला है, जैसे सीवेज है या फिर हमारे जो टॉयलेट्स हैं, वाशरूम्स हैं, इनके द्वारा निकलने वाला पानी है, क्रॉप लैंड है, फॉरेस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, तो इन सब से जो पानी जो निकलता है और जो जल स्रोतों में मिल जाता है, तो उनको हम नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर 70% यह अर्थ सरफेस का जो पानी है उसका यूज एग्रीकल्चर में होता है, तो यह बिगेस्ट कंज्यूमर ही नहीं है, यह बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन भी है, क्योंकि यहाँ से क्योंकि आज की तारीख में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है और धीरे धीरे वो लीच होगा, लीचिंग उनकी होती है और धीरे धीरे वो पानी में पहुँच रहे हैं और वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा भी विभिन्न तरह के जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो धीरे धीरे जल मार्गों में समाहित होते जा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन कॉज्ड बाय एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन वाटर और एयर इज द नंबर वन थ्रेट टू वाटर क्वालिटी वर्ल्ड वाइड एंड कैन कॉज, यह क्या कर रहा है, ये एल्गल ब्लूम्स को उत्पन्न कर रहा है और ए टॉक्सिक सूप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गल ब्लूम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सतह पर भयंकर तरह से छा जाती है एंड इट इज हार्मफुल फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ बोथ। सीवेज एंड वेस्ट वाटर, यह भी एक मुख्य कारण है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि हमारे घरों के जो सिंक्स हैं, शावर है, टॉयलेट से निकलने वाला जो पानी है, या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से निकलने वाले जो मेटल, सॉल्वेंट और टॉक्सिक स्लजेस हैं, वह सब क्या हो रहे हैं, सब पानी में, नदियों में बहाए जा रहे हैं, तो यह भी एक मेजर कोज है पानी के कंटामिनेशन का। इसके अलावा जब बारिश होती है तो बारिश के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बहाकर ले जाई जाती हैं, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, केमिकल्स हैं, विभिन्न तरह के जो कचरा डेब्रिस होते हैं वो सारे बहाकर कहाँ ले आ जाते हैं, जल मार्गों में आ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट वाटर फ्लोज बैक इन टू द एनवायरमेंट विदाउट बींग ट्रीटेड और रीयूज, और यह भी पाया गया है कि जो वेस्ट वाटर होता है वह एनवायरमेंट में वैसा का वैसा ही बना हुआ है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और उसको कोई रीयूजेबल नहीं बनाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इन सम लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पर यह देखा गया कि 95% यह आंकड़ा मिल रहा है कि 90% जो पानी है जो वेस्ट हो गया वाटर है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसका कोई रीयूज नहीं हो रहा है। नाउ ऑयल पॉल्यूशन, तो कई ऑयल भी जो है एक कॉज है वाटर पॉल्यूशन का, क्योंकि हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ कार हैं, ट्रक हैं, रात दिन चलते हैं, इसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके लीक के होने से ऑयल जो होता है, या फिर जो शिप हैं, टैंक्स हैं उनके द्वारा, टैंकर्स हैं, तो उनके द्वारा काफ़ी जो ऑयल स्पिल होता है वह आपको समुद्रों में देखने को मिल जाएगा। एट सी टैंकर स्पिल्स अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ द ऑयल इन वाटर, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑयल है इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन पानी का हो रहा है और मुख्य रूप से यह समुद्रों में देखने को मिल रहा है।
रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, यह भी पोल्यूशन का कारण है। अभी कहाँ पर पोल्यूशन का कारण है? या रेडियोएक्टिव वह पदार्थ होते हैं जो रेडिएशन पैदा करते हैं और विभिन्न तरह के कैंसर का कारण भी बनते हैं। हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो यूरेनियम माइनिंग एरियाज हैं, उनके द्वारा बड़े मात्रा में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पानी में आ जाते हैं। इसके अलावा मिलिट्री वेपन्स, जहाँ प्रोडक्शन और टेस्टिंग हो रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है रिसर्च के लिए, मेडिसिन के लिए। तो इस प्रकार से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी पानी में आ रहे हैं और पानी कंटामिनेट हो रहा है। लेकिन रेडियोएक्टिव का ये पाया गया है कि रेडियोएक्टिव वेस्ट जो होता है वो एनवायरनमेंट में हजारों सालों तक बना रहता है और उसके डिस्पोजल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और एक ही मेजर चैलेंजेस है। तो हम देखते हैं कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है इसका ख़त्म होने भी, क्योंकि एनवायरनमेंट में लंबे समय तक बना रहता है, तो ये एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए। वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? तो हम ये देखते हैं कि 1 बिलियन ऑफ पीपल हर साल अनसेफ वाटर के कारण बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा देखने को मिलता है कि जो लो इनकम कम्युनिटीज होती हैं, क्योंकि वह हाई रिस्क पे, क्योंकि वह ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर जो गंदे पानी के स्रोत हैं वह नज़दीक होते हैं, तो उनमें बीमारी ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा वाटर बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, कौन से जैसे बैक्टीरिया हैं, कई वायरसेस हैं, तो वह ह्यूमन और जो एनिमल वेस्ट है उसके कारण होते हैं। इस प्रकार से अगर इस पानी का उपयोग किया जाता है पीने के लिए तो विभिन्न तरह की डिजीजेस उत्पन्न होती हैं, जैसे कोलेरा, जियार्डिया, टाइफाइड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ना केवल जो कम विकसित देश हैं उन्हीं में ही इस तरह के वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इवन जो वेल्थी नेशंस हैं वहाँ पर भी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं इतने बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। इसके अलावा अर्बन एरिया से निकलने वाला जो वेस्ट है, या फार्म द्वारा, एग्रीकल्चर द्वारा निकलने वाला वेस्ट है वहाँ, इसके अलावा कई तरह के वेस्ट हैं तो वो वहाँ पर भी उत्पन्न हो रहे हैं और नदियों में मिलाए जा रहे हैं। यह सब जो चीज़ें हैं, यह हार्मफुल पैथोजेंस जो होते हैं वह पानी में मिल जाते हैं। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, अब हम ये देखते हैं कि जब एक बार पानी के अंदर विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो वो क्या पैदा करते हैं? एल्गल ब्लूम वहाँ पर उत्पन्न करते हैं। एल्गल ब्लूम उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है पानी में वह कम हो जाता है, और इसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें सफोकेशन उत्पन्न हो जाता है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती और वहाँ डेड जोन क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एल्गल ब्लूम्स हैं वह न्यूरोटॉक्सिन्स भी उत्पन्न करते हैं, जो हम जो विभिन्न तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं, इवन वेल्स टू सी टर्टल्स। केमिकल्स हैं, कई हैवी मेटल्स हैं जो इंडस्ट्रीज और म्यूनसिपल से निकलते हैं, वेस्ट से निकलते हैं, तो यह सब जो जलीय जंतु हैं उनके लिए काफ़ी खतरा बने हुए हैं। ये सब कंटामिनेंट्स, इन कंटामिनेंट्स के कारण जो ये टॉक्सिक हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, इसके वजह से उनकी जो लाइफ स्पान है और उनकी जो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। एंड मेक देयर वे अप द फूड चेन एज प्रेडेटर ईट्स प्रे। इस कारण से देखने को मिला है कि जो बड़ी फिशेज हैं जैसे ट्यूना है, उनके अंदर हाई क्वान्टिटी ऑफ टॉक्सिन सच एज मरकरी जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। मैराइन इकोसिस्टम को एक खतरा बना हुआ है मैराइन डेब्रिस का, विच कैन स्ट्रैंगल, सफोकेट एंड स्टार्व एनिमल्स। मच ऑफ द सॉलिड डेब्रिस सच एज प्लास्टिक बैग्स हैं, सोडा कैन है, तो वो तैरते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से विभिन्न तरह की जो गार्बेजेस के पैचेस देखने को मिल जाएंगी। यह पाया गया है कि 200 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ ऑफ मैराइन लाइफ को आज खतरा बना हुआ है इन सब कंटामिनेंट्स के कारण, इन सब मैराइन डेब्रिस के कारण। इसके अलावा ओशन में एसिडिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा
हाँ बढ़ता जा रहा है, इस कारण से कई जो मॉलस्क क्रस्टेशियन और इकाइनोडर्म्स होते हैं इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, तो उनमें जो इस एसिडिफिकेशन के कारण उनके जो शेल है वह नहीं बन पाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा विभिन्न तरह के जो जीव हैं उनके, जैसे शार्क्स हैं, क्लाउन फिश हैं या अदर मैराइन लाइफ हैं, उनके नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचती है। इस प्रकार देखा गया है कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द कार्बन पॉल्यूशन क्रिएटेड ईच ईयर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और इस वजह से जो ओशियन है वो लगातार धीरे धीरे एसिडिक होते जा रहे हैं। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। प्राणी को पॉल्यूशन से रोकने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने वाटर एक्ट पास किया था 1974। तो इसका जो मेन पर्पस है वह यह है, या इसकी जो उद्देश्य है वह है जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा उसे पुनः स्थापित करना। जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, उसके निवारण के उद्देश्य से केंद्रीय और राज्य यानी सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड की स्थापना करना, उसका गठन करना, यह सब काम इसके हैं। इसके अलावा इसके हम कुछ सेलियंट फीचर्स देखें तो इसके अंदर 64 सेक्शंस हैं जिनको 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे चैप्टर फर्स्ट के अंदर तो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स हैं, इसके अंदर संक्षिप्त नाम है, कई तरह की परिभाषाएं इसके अंदर दी हुई हैं। चैप्टर सेकंड के अंदर सेंट्रल और स्टेट बोर्ड का गठन से संबंधित, इसमें गठन से संबंधित चीजें इसमें लिखी हुई हैं। चैप्टर थर्ड के अंदर जॉइंट बोर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। जॉइंट बोर्ड वो होते हैं जो दो स्टेट के साथ मिलकर बने हुए होते हैं। चैप्टर फोर के अंदर इन बोर्ड्स के पावर्स और फंक्शन के बारे में लिखा गया है। चैप्टर फिफ्थ के अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, कैसे किया जाएगा उसके बारे में है। चैप्टर सिक्स के अंदर प्रोविजन है रिलेटिंग टू फंड्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट। चैप्टर सेवन के अंदर पेनल्टीज एंड प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है, और चैप्टर एट के अंदर मिसलिनियस प्रोविजन्स हैं। सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विभिन्न टर्म्स जो है उनको परिभाषित किया गया है, जैसे बोर्ड क्या है, सेंट्रल बोर्ड क्या है, पॉल्यूशन क्या है, ऑक्यूपायर क्या है। जैसे हम देखें कि ऑक्यूपायर क्या है, तो कोई भी जो फैक्ट्री है या प्रीमिसाइज है, इन पर जिस व्यक्ति का जो कंट्रोल है, जो इस पर पूरा कंट्रोल रखता है वह यहाँ का ऑक्यूपायर कहलाएगा। नाउ पॉल्यूशन क्या है, तो पानी के जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज होता है तो उसको हम पॉल्यूशन कहेंगे। और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसा डोमेस्टिक वेस्ट है, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो वो सब पॉल्यूशन के अंतर्गत आएंगे। सीवेज एफ्लुएंट्स क्या है, जो घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो स्लज है, वह सब क्या है, सीवेज एफ्लुएंट्स है। नाउ पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, हमने देखा कि जो सेक्शन 16(1) में, धारा 16A में या 1 में इसकी पावर और फंक्शन दे रखे हैं सेंट्रल बोर्ड के। तो इसका मुख्य काम है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे देना इसका काम होता है, ताकि प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रित किया जा सके, प्रदूषण को किस तरह से रोका जा सके। इसके अलावा केंद्रीय व राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच में भी कोऑर्डिनेशन जो है होता है वह रखता है। इसके अलावा विभिन्न तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने का काम भी यह करता है। इसके अलावा प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू स्टेट बोर्ड। इसके अलावा विभिन्न तरह की रिसर्च को करवाना या फिर जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए या इसमें लगे हुए जो लोग हैं, जो उनको विभिन्न तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाना, विभिन्न तरह के प्लानिंग करवाना, यह सब सेंट्रल बोर्ड का काम होता है। इस प्रकार जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम का आयोजन करना भी सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन होता है। इसके अलावा विभिन्न तरह के स्टेटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना, और उनको एनालाइज करने के बाद नेसेसरी स्टेप्स या एक्शन लेना इसका काम होता है।
इसके अलावा स्टेट बोर्ड को विभिन्न तरह के सहायता पहुंचाना भी इसका काम होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना और नेशनल वाइड प्रोग्राम्स का आयोजन करवाना ताकि हम जल प्रदूषण का नियमन और नियंत्रण कर सकें, तो ये इसका एग्जीक्यूशन का काम भी सेंट्रल बोर्ड का होता है। इसके अलावा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी गठन किया गया है, तो इसका काम भी एज इट इज वैसा ही है जैसे कि जो सेंट्रल बोर्ड का होता है। तो जो स्टेट बोर्ड होता है या स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है किसके संबंधित, जल प्रदूषण के नियमन और नियंत्रण से संबंधित। इसके अलावा विभिन्न तरह की जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, विभिन्न तरह की इंफॉर्मेशन को जनसाधारण में पहुंचाना ताकि कैसे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, उसका प्रिवेंशन किया जा सके। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो रिसर्च है, विभिन्न तरह की लैब को स्थापित करना और विभिन्न तरह की जो रिसर्च जल प्रदूषण को नियंत्रण से संबंधित है उसको करवाना भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही काम है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलाबरेट करके विभिन्न तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना भी इसका एक काम होता है। इसके अलावा जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिकी आंकड़े जो भी होते हैं उनके संग्रहण प्रकाशन का कार्य करता है। विभिन्न तरह के जो झरने हैं, कूप है या फिर औद्योगिक बहिस्राव है के नमूनों के विश्लेषण के लिए अलग प्रयोगशालाओं की स्थापना करवाना इसका एक काम होता है। इसके अलावा सीवेज या औद्योगिक बहिस्रोतों जो भी हैं, जो स्रोत होते हैं उनके उपचार और निस्तार को करवाना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मैनुअल्स या कोड या विभिन्न तरह के गाइड जो होता है, निर्देशिकाएं, उनको तैयार करना भी इस बोर्ड का काम होता है। इसके कई और भी काम है जैसे टू इवॉल्व एफिशिएंट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स ऑन लैंड, कि किस तरह से हम सीवेज का या ट्रेड मतलब इंडस्ट्रीज से निकले हुए पानी का किस प्रकार से डिस्पोजल किया जाए, तो नए मेथड्स को, एफिशिएंट मेथड्स को डेवलप करवाना। दूसरा कि कैसे हम पानी को रीयूज करें, उसको रीयूटिलाइजेशन करें, तो कौन सी जो मेथड्स हैं उनको हम डेवलप करें। तो इस प्रकार से यह सब जो काम है यह स्टेट बोर्ड का ही होता है। इस प्रकार स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड कोऑर्डिनेट होते हुए अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब आपने यह एक्ट देखा, लेकिन आज हमें संपूर्ण समाज को, या हम कहें कि संपूर्ण देश को, संपूर्ण देश के लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी हम विभिन्न तरह के पॉल्यूशंस हैं उनको हम रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम में जागरूकता नहीं आएगी तो हम इन स्रोतों को नहीं बचा सकते। तो आज हमने यह टॉपिक पढ़ा और इसको हमने आज समझा, आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज, रेडियो जीजीसी कोटा। धन्यवाद।